रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भगवते श्री रामचंद्राय प्रणति पुरस्सरम् एतस्मिन् दीपोत्सवावसरे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरति अयं गवीषद्विवेदी। वार्तावली गण पक्षतः हार्दिकीः शुभकामनाः नमस्कारांच समर्पयन् विशिष्टमेतम् अंकमादाय पुनः उपस्थितः अहं नीतीशः अपि। दर्शकाः, वयं भारतवासिनः एतस्यां पुण्यधरायां जन्म प्राप्तवन्तः इति कारणेन गर्वम् अनुभवामः। सत्यमिदं गर्वानुभूतेः असंख्येषु हेतुषु अन्यतमः हेतु अस्ति यत् इदं राष्ट्रं पर्वणां उत्सवानां वा राष्ट्रमस्ति इति। केवलं दीपोत्सवः एव न, अपितु एतस्मिन् शुभे कार्तिक मासे धनत्रयोदशी, गोवर्धन पूजा, भ्रातृद्वितीया, छठ इति सूर्यषष्ठी, देवोत्थानैकादशी इत्येते उत्सवाः आचर्यन्ते। उत्सव काले तु वयं जीवने नूनं नूतनताम् अनुभवामः। तथैव सुभाषितमपि अस्मासु ज्ञान नूतनतां जनयति। तर्हि अविलम्बं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः सुमधुरवाण्यां गीतेन हिन्द्याङ्ग्लार्थ समन्वितेन च सुभाषितेन। निर्धनेनोष्यते भूमौ सामर्थ्यं च तदुच्यते धनिकेनोष्यते भूमौ महिमा तु तदुच्यते। निर्धन मनुष्य भूमि पर बैठ जाए तो उससे उसके सामर्थ्य का आकलन होने लगता है, और कोई धनी बैठ जाए तो यही उसका बड़प्पन कहा जाता है। यह संसार बहुत विचित्र है। निर्धन और धनी के तराजू पर आपके संपूर्ण व्यवहार का आकलन करता है। If a poor person sits on the ground, his strength starts being assessed. And if a rich person does the same thing, this is called his greatness. Indeed, this world is very strange, as your entire behavior is assessed here on the scale of the poorness and richness. Sadhu, Subhashitam tu bhavati sarvada jnanavardhakam kimva sumarga parichayakam iti. Darshakaha, etasvin krame adunha kendrija prabhage eva avlokayantu gata saptahiki hi pramukhaha chitaha kashchana desh videsheshu ghatitaha varta pravahamaya swarena. तेलंगाना राज्ये नैर्वाचनिक प्रचार क्रमे प्रधानमन्त्रिणः अनेक जनसभानां समायोजनम्। वर्तमान मुख्यमंत्री केसीआर इत्यसौ अपि सततम् अनेकाः नैर्वाचनिक जनसभाः तत्र कुरुते। तत्र स्वीयं प्रशासनं पुनः आनेतुं सः मतदातॄन् सततं प्रार्थयन् अस्ति यत् ते विरोधिदलानां कथनं न शृण्युः। अन्य दलानि अपि तत्र सततं प्रचारं कुर्वन्ति। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनाय भाजपादलं संकल्पपत्रं प्रकाशितवत्। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्यस्य उपस्थितौ संकल्पपत्रमेतत् ख्यापितं गतम्। भाजपादलानुसारं एतस्मिन् संकल्पपत्रे जनतापरामर्शाः विशेषतः सम्मिलिताः। श्रीराम जन्मभूमि न्यासस्य महासचिवः चम्पतरायः, कोषाध्यक्षः स्वामी गोविन्द देवगिरिः च उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन सह संवादं कृतवन्तौ। उभाभ्याम् अग्रिमवर्षे अर्थात् 24th-2016 जनवरी मासस्य 22nd राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा समारोहार्थं मुख्यमन्त्री आमन्त्रितः। उच्चतम न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः डी वाई चंद्रचूड इत्यसौ अभिनवाय न्यायाधीशत्रयाय शपथवचनं दापितवान्। एतद्धि न्यायाधीशत्रयमस्ति सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता इति। साम्प्रतम् उच्चतम न्यायालये न्यायाधीशपदं न एकमपि रिक्तम् इति विशेषः। बिहारस्य मुख्यमंत्री नीतीशकुमारः महिला विरुद्धस्य स्वविवादास्पद वक्तव्यस्य कारणात् संकटापन्नः दरीदृष्टः। अनेकनेतॄन् समेत्य केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानन्दरायः अपि तदीय वक्तव्यम् अतीवाक्षेपार्हम् उक्तवान्। नीतीशकुमारः तावत् जनसञ्चार समक्षम् स्ववक्तव्यार्थम् क्षमाम् अपि याचितवान्। उच्चतम न्यायालय पक्षतः अनवरतम् निर्देशानन्तरम् दिल्ली प्रशासनेन वाहन परिचालन सम्बद्धायाः ऑड इवन इत्याख्यायाः समविषम नीतेः निर्णयः प्रतिस्वीकृतः। दिल्ली प्रशासनगतः निर्णयः एषः नाधुना परिपाल्यते। दीपावली पर्वानन्तरम् स्थितिम् अवलोक्य एषः निर्णीयेत। इज़राइल हमास इत्येतयोः संघर्षः अनारतम् जायमानः।
एतन्मध्ये गाजा क्षेत्रे चिकित्सा सहायताम् आधृत्य द्वितीय चरण परः सहायता सामग्र्यः प्रापिताः। तत्रैव नेतन्याहू इत्यसौ उक्तवान् यत् बन्धकानां मुञ्चनेन विना युद्ध विरामः न अस्मत्पक्षतः स्यात् इति। सप्तत्रिंशत्तमस्य राष्ट्रिय क्रीडा योजनस्य गोवा राज्ये जातं समापनम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः समापन समारोहे मुख्य अतिथित्वम् अभजत। तावत् ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा समायोजने महाराष्ट्र राज्यं पदक तालिकायाम् अवाप्तवत् शीर्षस्थानम्। तावत् अग्रिमं राष्ट्रिय क्रीडा योजनं भवेत् उत्तराखण्ड राज्ये। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा कठोर कार्याचरण पुरस्सरं श्रीलंका क्रिकेट मण्डलं तत्काल प्रभावेन निलम्बितम् अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एषः निर्णयः श्रीलंका देशीय संसदा पारित प्रस्तावस्य अनन्तरम् आगतः। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद निष्कर्षं यावत् प्राप्नोत् यत् श्रीलंका क्रिकेट मण्डलं सदस्यरूपेण स्वदायित्वानां करोति उल्लंघनम् इति। अखिले अपि देशे कार्तिक मास पराः उत्सवाः सश्रद्धं सोल्लासं च समाचर्यन्ते। धनत्रयोदश्याः परं दीपोत्सवस्य उत्साहः सर्वत्र। तावद् उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यागत दीपोत्सवाय व्यापकस्तरे सज्जताः क्रियमाणाः। प्रवाहि वार्तानन्तरम् अधुना क्रमः अस्ति वृत्त प्रस्तुतेः। अद्य च एतस्मिन् पर्व विशेषांके वृत्तमस्ति पर्वाधारितमेव, यतः कार्तिक मास अस्ति प्रवर्तमानः। तत्र भवतां दर्शकानां आस्वादनाय ज्ञानवर्धनाय च। एतत् सम्बद्धं विशिष्य दीपावली सम्बद्धमेव वृत्त विशेषम् इह प्रस्तुमः, तत्र भवतां दर्शकानां आस्वादनाय ज्ञानवर्धनाय च। खलु भवन्ति मानवाः पर्वप्रियाः, अथ भारतदेशः तु विशेषरूपेण पर्वप्रियः अस्ति, यतः प्रतिमासम् अत्र आमान्यन्ते अनेकानि पर्वाणि। सांस्कृतिककारणैः सह वैज्ञानिककारणानि च दधते एतानि पर्वाणि। सद्यः प्रवर्तमानः अस्ति कार्तिकमासः। एतस्मिन् एव कार्तिकमासे आयोज्यते भारतस्य प्रमुखं दीपावलीपर्व। एषः हि पञ्चदिवसीयः महान् उत्सवः भवति। कार्तिकमासस्य कृष्णपक्षस्य त्रयोदशीतः आरभ्य कार्तिकशुक्लद्वितीयापर्यन्तं पञ्चदिनानि यावत् आचर्यते एषः दीपोत्सवः, अर्थात् धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, कार्तिकमासस्य अमावस्यायां दीपावली, गोवर्धनपूजनम् अथ भ्रातृद्वितीया इत्येतानि भवन्ति उत्सवदिनानि। दीपाः प्रकाशं कुर्वन्ति, अंधकारं च अपाकुर्वन्ति। एषः प्रकाशः न केवलं मानवानां कृते, अपितु देवानां, पितॄणां, सर्वजीवानां च कृते मंगलाय कल्पते। भारतीय परंपरायां लक्ष्मी पूजनेन सुखं, धनं, धान्यं, संतोषः च आयाति इति मन्यते। दीपप्रकाशेन, कनकप्रकाशेन, आकाशदीपैः किं वा ज्ञानप्रकाशेन अमावस्या पूर्णिमा स्वरूपा जायते। अधुना विश्वस्य विभिन्न देशेषु अपि दीपावली पर्व आमान्यते। भगवतः श्रीरामस्य जन्मस्थल्यां यतः भव्यं मन्दिरं निर्मितं, तस्मात् ऐषमः विशिष्टमस्ति तत्र दीपावली पर्व। कलाकाराः देशे भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अथ देशस्य अग्रगण्यानां राम भक्तानां चित्राणि रचयन्तः सन्ति। आभाभृते एतस्मिन् भारते अथ विश्वे अयं प्रकाशोत्सवः सर्वजीवनानि प्रकाशयेत्। वैमनस्यं, दुर्भावनाः, द्वेषलोभमोहादीन् च अपाकुर्यात्। इत्थं प्रकाशदेवतां स्मरामः वयं भारतीयाः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। शोभनं वृत्तं गवीश, इतः परं वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागं सम्प्राप्ताः वयम्। आम् नीतीश, अतः एव अत्र दर्शकानां कृते किञ्चन विशिष्टं संवादं प्रस्तुमः।
दर्शकाः आयान्तु पश्यामः कः अस्ति अद्यतने अंके विशिष्टः संवादातिथिः। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अद्य शुभे दीपावल्याः विशिष्टे अवसरे वयम् एकं विशिष्टं साक्षात्कारं प्रस्तोतुं सिद्धाः। अद्य अस्मत् समक्षं राजते नवदिल्लीस्थायाः इस्कोन संस्थायाः उपाध्यक्ष पदवीं विभ्रणः व्रजेन्द्र नंदन दासवर्यः। यः दीपावलीम् आश्रित्य याः अपि कथाः सन्ति तासां कथानां वैशिष्ट्यमपि निरूपयेत्। महोदय, सर्वप्रथमं तु अहं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि च। हरे कृष्ण, नमस्कार। दीपावल्याः नाम पर्वविशेषः साम्प्रतम् अस्ति, तर्हि रामकथया एतत् पर्व वस्तुतः योज्यते। किमस्ति एतस्य महत्वं, नाम किमस्ति प्रतीकतत्वम् अत्र? हमें समझाना चाहेंगे कि किस तरह से भगवान युद्ध करके रावण को पराजित करके, क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक था और अहंकार को विनम्रता से ही, पवित्रता से ही पराजित किया जा सकता है। असत्य को पराजित सत्य से ही किया जाता है, तो ये भगवान राम ने किया। वो असत्य था और अहंकार युक्त था, लेकिन भगवान श्री राम स्वयं सत्य और उन्होंने पराजित करके जब आए तो गए थे तो पैदल। देखिए, भगवान श्री राम जब वनवास गए थे पैदल गए थे, लेकिन जब आए तो विमान से आए, वही पुष्प विमान जो कुबेर जी का था, रावण ने जबरदस्ती कब्जा करके अपने पास रखा था, तो उसी पुष्प विमान से अपनी पूरी अपनी सेना के साथ, जो खास खास बार थे, जामुन जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, कई लोगों को लेकर के, सबको लेकर के भगवान राम आते हैं। अयोध्या जब पहुंचते हैं तो पहली बार अयोध्या वासियों ने पुष्पक विमान देखा था, कि जब पुष्पक विमान ऊपर आकाश मार्ग पर आया तो सब नीचे से देख रहे थे। और जैसे ही अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान राम अयोध्या वापस पहुंचने वाले हैं, पूरी सफाई कर दिया सोलह। इसीलिए ये जो हमारा दीपावली का त्यौहार है, ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल के बाद आ रहे हैं तो हर चीज स्वच्छ दिखनी चाहिए। कि भी पहले प्रकाशमय वियोग था, लेकिन स्वच्छता और प्रकाश से ही शोभा बढ़ती है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा रोड को, जिस सड़कें थी सबको सफाई कर दी, पूरी चारों तरफ से पूरे अयोध्या वासी सब खुद लग करके सफाई कर दी, स्वच्छता, कि भगवान की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े पूरा स्वच्छ नजर आ जाए। और अपने घरों को सजाया, तो घरों के सजाने के दीप, मिट्टी के जो दिया होता है उसको लेकर के घी से के अब पूरा कतार में लगा, जो कि सुंदर लगे। तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, है ना, पूरे अयोध्या वासी जो महल था दीप से प्रकाशित कर दिया। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ये दीपावली उत्सव तभी से मनाया जाने लगा कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए और उनकी प्रसन्नता के लिए। तो स्वच्छता, ये हमारा दीपावली का जो त्यौहार है, ये स्वच्छता और प्रकाश से जुड़ा हुआ है। और हमारे हृदय का प्रकाश भी, हमारा हृदय प्रकाशित होना चाहिए, किसके द्वारा? दिव्य ज्ञान के द्वारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, कृष्ण और राम का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हैं तो हमारे हृदय के जो कलुषित विकार है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है भगवान के नाम से। रामकथया सम्बद्धं दीपावली पर्व इति भवता तु तत्र विशदितमेव।
वस्तुतः इस्कॉन संस्थया सम्बद्धः भवान् अत एव कृष्णभक्तिमयमपि वस्तुतः एतस्य पर्वविशेषस्य माहात्म्यमस्ति एव। अत एव अहं ज्ञातुकामः यत् श्रीकृष्णसम्बद्धा का कथा अस्ति या दीपावलीपर्वणा सम्बद्धा। जब चैतन्य महापुरुष इस धरती पर आए, जो राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, तो उन्होंने एक आदेश दिया कि भारत भूमिते हेल जन्मजार जन्म सार्थक करिकर परोपकार, कि भारतवर्ष में जो जन्म लिया है मनुष्य, उसका कर्तव्य है को भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति दे करके दूसरों का कल्याण करे। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए, द्वापर युग की बात है, तो द्वापर युग में भगवान की कई लीलाएं हुई जो कि दीपावली से भी जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण और राम ये त्यौहार, दीपावली का जो त्यौहार है, ये दोनों से जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है और द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। वस्तुतः कार्तिक मासः यः अस्ति उत्सवानां मासः अस्ति, अत्र विविधानि पर्वाणि आयोज्यन्ते, तर्हि एतेषां पर्वणां कार्तिक मासे एव कथम् आयोजनं जायते, एतस्मिन् विषये का अस्ति वैज्ञानिकता, का अस्ति सांस्कृतिकता, का अस्ति सामाजिकता? कार्तिक मास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भगवान की सुंदर लीलाएं हुई हैं, जैसे राधा कुंड की उत्पत्ति इसी कार्तिक मास में हुई थी। ये कार्तिक मास की जो त्रयोदशी आती है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे इसी कार्तिक, अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, है ना। तो ये सब ऐसे त्यौहार हैं, इसके बाद भी जो त्यौहार आते रहते हैं। तो ये जो दीप दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि बताया गया है शास्त्र में कि घी का दिया दिखाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, एक खुशियों का त्यौहार है। ये ऐसे त्यौहार कार्तिक मास में कि अगर थोड़ा सा गीता माने गीता पढ़ते हैं, वैदिक ज्ञान कर्नालिस के कथा सुनते हैं, जितने आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मंदिर में जाके भगवान को दीप दिखाएंगे या अपने घर में आप दीप दिखाइए, तो एक जो कार्तिक महीना है इसमें जितने भी आप भगवान के प्रति अपने आप को जोड़ेंगे उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। एक कार्तिक मास मानसिक शांति है से। क्योंकि हर इंसान को मन को शांति चाहिए। वस्तुतः संस्कृत दर्शकाः अस्माकं ये सन्ति तेपि भगवद्गीतायाः माहात्म्यं जानन्ति अथवा विशेषतः अपि ज्ञातुं नाम ते सिद्धाः भवन्ति, अथवा यतोहि नाम कृष्णभक्त्या सम्प्रेरितः भवान् स्वयमेव सर्वानपि कथाः श्रावयति, अत एव कृष्णस्य यः विशेषः सन्देशः स्यात् तस्य विषये कृपया पुनरपि अस्मदीय दर्शकान् बोधयतु। श्रीमद्भगवद्गीता जो है एक कर्म करने की शिक्षा देती है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, लोग सोचते कोई धार्मिक ग्रंथ है, नहीं, ये हर मनुष्य के लिए है, सबके लिए है। अगर आपका मनुष्य प्राणी है तो ये गीता आपके लिए है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गीता है तो सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, काल के बारे में और प्रकृति के बारे में बताता है। सिर्फ पूरे भगवद गीता में इन पांच तत्वों पर चर्चा की गई है जो सब पर लागू होता है। तो एक गलत फहमी दूर करना चाहिए, इसे गीता हर इंसान को गीता पढ़नी चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने यही किया, आज पूरे विश्व में अगर इस्कॉन द्वारा प्रचार हो रहा है भगवद गीता का, इस्कॉन द्वारा कोई भेदभाव नहीं, चाहे चाइनीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन, सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं और अपना जीवन कर रहे हैं। अगर मानव समाज कि लोग अगर मानो इतनी बात करें कि अपना मन भगवान में लगाए और जो उनकी शिक्षा है भगवद गीता का उसके अनुसार जीवन जिएगा, तो निश्चित रूप से सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए हम जोर देते हैं कि आप गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि एक कर्म करने की शिक्षा देती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा ये देती है। तो हमारी युवा पीढ़ी से है कि आप भगवद गीता ले जाइए, यथारूप पढ़िए
और अपने जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद अत्र भवता विशेषः समयः कल्पितः अस्मदर्थं वार्तावल्ली अपि अतः ये भी नाम विशेषः सन्देशः भवता प्रदत्ताः मन्ये ते सर्वे अपि उपकाराय भवेयुः इति अहं पुनरपि नमस्करोमि अतः धन्यवादान् समर्पयामि। शोभनः अयं संवादः संस्कृतं संस्कृतिश्च एवमेव अनुदिनं परिपुष्टे स्याताम् इत्येतदेव कामयामहे। कविश अपि जानति भवान् यत् विदेशेषु निवसन्तः भारतीय मूलस्य जनाः अपि स्वं स्वं जीवनं सुसंस्कर्तुं संस्कृतेः सहितं संस्कृतमपि सन्धारयन्ति, तत् शिक्षयन्ति अथ संस्कृतमेव सोल्लासं समाचरन्ति च। जानामि नीतीश, अथ वार्तावली दर्शकाः अपि जानन्त्येव। विदेशोल्लेखेन च स्मरामि अनतिचिरमेव सऊदी अरेबिया इत्यस्य देशस्य राजधान्यां रियाद इत्यत्र समाचरितं संस्कृतोत्सवम्। दर्शकाः अवलोकयन्तु एतं वृत्तविशेषम् अथ आस्वादयन्तु संस्कृत संस्कृति संवलिताः प्रस्तुतिः। संस्कृतं नाम दैवी वाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः, नूनं हि संस्कृतभाषा भारतस्य आत्मतत्त्वभूतम्। ज्ञानविज्ञानसंवृता भाषा एषा भारतम् अवश्यं विशेषयति। विदेशेषु अपि एतां संस्कृतभाषां प्रसारयितुं भारतीयैः अनेके महत्त्वपूर्णप्रयासाः विधीयन्ते एव। तेषु प्रयासेषु सऊदी अरेबिया देशे राजधान्यां रियाद इत्यत्र भारतीय दूतावासेन भव्यः संस्कृतोत्सवः अचिरात् एव आमानितः। अयम् उत्सवः प्रवासी परिचयः इति कार्यक्रमान्तर्गतं समायोजितं गतः। भारतीय मूलैः तत्र रियाद वासिभिः बालैः महिलाजनैः च संस्कृत भाषया भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाः प्रस्तुताः, येषु अभिनय गीत गणगीत सुभाषित नाटकानि मुख्यानि आसन्। संस्कृतोत्सवस्य उद्देश्यं सऊदी अरेबिया देशे भारतस्य प्राचीन ज्ञानं सभ्यताम् इतिहासं परम्पराः च प्रसारयितुं तत्रत्य भारतीयानां प्रयासः अस्ति। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः रियाद इत्यत्र भारतीय राजदूतः डॉक्टर सुहेल अजाज खान महोदयः संस्कृतभाषया स्वीयं सम्बोधनं प्रस्तुतवान्। सः उक्तवान् यत् सम्पूर्णविश्वं संस्कृतभाषां परिष्कृताम् आध्यात्मिकीं भाषाम् अपि मनुतेति। एतादृश कार्यक्रमः अत्र प्रथमवारम् इति गर्वस्य विषयः। प्रियमित्राणि, संस्कृतं सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। एवं हि संस्कृतस्य प्रतिष्ठा तु स्वयं सिद्धा, अथ एषा प्रतिष्ठा दिनानुदिनं स्यात् परिवर्धमाना। इत्येतदेव कामयमानाः वयं स्याम संस्कृतवृत्त प्रस्तुति संलग्नाः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। महान् आनन्दः, शोभनं वृत्तम्। अधुना विशेष वृत्त प्रस्तुतेः अनन्तरं समयः अपि संवृत्तः अंक समापनस्य। अतः पुनरेकवारं कार्तिक मासान्तर्गत पर्वणां विशेष शुभकामनाः प्रयच्छन्तः लक्ष्मीं स्तुवन्तः च विरमामः अत्रैव। आगामिनि अंके पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः, शुभा दीपावली।
विश्वामरेन्द्र पद विभूषण।